हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक पोंचो बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने डबल एक्सल एक्सल के लिए बनाया है। मैंने ये येलो कलर की ऊन ली है और ये माइक्रो वूल है। सबसे पहले हम नोट लगाएंगे और चेन बनाएंगे। हम 113 चेन बनाएंगे, 113। वन हंड्रेड थर्टीन चेन बनाने के बाद हम 6 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और 7th चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे। और हम 4 चेन छोड़ते हुए 5th चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम 5 चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, कोई भी चेन स्किप नहीं करेंगे। और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और 4 चेन छोड़ते हुए 5th चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम फिर 3 चेन बनाएंगे और उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे जहां हमने पहले बनाया था उसी चेन में। ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है यहां तक। हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। और ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम ये 5 बार बनाएंगे ये डबल क्रोशिया, 5 चेन में 5 टाइम्स।
ऐसे ही बनाते हुए हम इसको मिडल तक लेके आएंगे। ये हमने 5 डबल क्रोशे यहाँ पे बना लिए हैं। अब हम इसके मिडल का डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब हम 3 चेन बनाएंगे। और 5th चेन में इसको बनाएंगे। यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे 5th चेन में। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। ये हम बीच का पार्ट बना रहे हैं। यहीं से हमारे फंदे बढ़ेंगे। यहीं पर एक बार हमें ऐसे ही ये डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा बीच का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम साइड में बनाएंगे। उस रो को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये बनाई है। अब हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे।
हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ेंगे। थ्री चेन बनाने के बाद जो हमने ये सिक्स चेन बनाई थी शुरू में, तो यहाँ पे हम तीन चेन स्किप करेंगे और इसमें यहाँ पे डालेंगे और इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया है। अब नीचे के धागे से हम नीचे का पार्ट जोड़ेंगे। अगर आपके पास चेन एक्स्ट्रा रह जाए तो उसको उधेड़े ना, दोबारा यहीं से उस चेन को खोल दे, वो खुल जाएंगी। अगर आपके पास कम चेन रह गई तो जैसे हमने एक्स्ट्रा धागा रखा था तो आप एक्स्ट्रा चेन भी बना सकते हैं। अब इसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट्स जुड़ चुके हैं। अब हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। हमें काउंट कर लेना है। ये हमने चार इस तरफ बनाए हैं डबल क्रोशे, चार इस साइड ऐसे, ये सेम होने चाहिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो हम थ्री चेन बनाएंगे, एक हमने बना ली थी, दो और बनाएंगे। हमारे पास थ्री चेन हो गई है। अब हम यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन हो जाएगी, हमारे पास टोटल सेवन हो जाएंगे। अब हमने फिर से थ्री चेन बना ली है और यहाँ पे हम ये जो फाइव डबल क्रोशिया थे, यहाँ पे हम ऐसे क्रोशिया को पीछे से आगे की तरफ लेके आएंगे और थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमारे पास फाइव डबल क्रोशिया थे, अब हमारे पास थ्री डबल क्रोशिया होंगे। अब हम तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम सेवन डबल क्रोशिया बना लेंगे। जहाँ पे हमने ये डिज़ाइन बनाया है वहाँ वहीं पर हम सब जगह सेवन सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको मिडल तक ऐसे ही बनाते हुए लेके जाएंगे। इस रो को सेम ऐसे ही बनेगी ये। यहाँ पे हम सेवन डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम मिडल में आ गए हैं, हमने तीन चेन बना ली है। अब यहाँ पे हम सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और बाकी रो वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने उस साइड की है। ऐसे ही 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम पहले 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो हमने चेन बनाई थी ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई है। और ये जो हमने चेन बनाई है यहाँ से हम ऐसे क्रोशिया को ले जाते हुए पीछे से इसके चेन के पीछे से लेके आएंगे ऐसे, और इसको यहाँ पे बंद कर देंगे ऐसे। ये सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ हम ऐसे ही पीछे से आगे क्रोशिया लाएंगे और ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। थ्री चेन बनाएंगे, जहाँ हमारे पास 3 डबल क्रोशिया थे वहाँ पे हम अब 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई, फिर 3, फिर 1। ऐसे ही इस रो को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तीन चेन बनाएंगे और फिर ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे हम फिर से वहीं 7 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और मिडल तक लेके आएंगे।
हम ये पॉइंटों के बीच में आ चुके हैं, ये रो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। इसको भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, सेवन हम डबल क्रोशिया पहले ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, ये हमारे सेवन डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और सेम ऐसे ही बनाएंगे, इसको भी यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस रो को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे हम। ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम इसके मिडिल पार्ट में आ चुके हैं। अब हम ऐसे धागा चढ़ाते हुए क्रोशिये पे ऐसे लेके आएंगे। यहाँ हमारी एक जाली बन जाएगी। अब हमने ये सिक्स चेन बना ली है और यहीं पर दोबारा से डालेंगे और फिर से तीन चेन बनाएंगे। पहले हमने सेवन डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक छोड़ देंगे, उससे अगले वाले में बनाएंगे और यहाँ पे हम फाइव डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें ऐसे ही बनानी है रो, जहाँ हमारे सेवन डबल क्रोशिया हैं वहाँ हम फाइव डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, पहले हम थ्री चेन बनाएंगे। जो ये एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इस चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर थ्री चेन बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन ऐसे बन चुका है। अब हम फिर से थ्री चेन बनाएंगे और अब हम फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक छोड़ देंगे, एक इस साइड से एक उस साइड से, और फाइव डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। फाइव डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम तीन चेन बनाएंगे। ये जो हमने जाली बनाई थी यहाँ पे तीन चेन बना के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ऐसे ही एक बार और फिर से थ्री चेन बनाएंगे और फाइव डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इस रो को ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हम यहाँ पे आ गए हैं। पहले हम तीन चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया सेम उसी जगह बनाएंगे जहाँ पे ये डबल क्रोशिया हमने पहले बनाया था, जहाँ पे ये सिक्स चेन बनाई है हमने। यहाँ पे हमने यही डबल क्रोशिया बना लिया है और हम तीन ही चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे जहाँ पे हमने सिक्स चेन बनाई थी। और फिर से हम थ्री चेन बनाएंगे, सेम वैसा ही प्रोसेस चलेगा जैसे हमने पीछे बनाया था, जैसे हमने सेकंड रो में बनाया था। पहले तीन चेन फिर सिक्स डबल क्रोशिया, ऐसे ही हम सारी रो को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हमारे फंदे घटते बढ़ते जाएंगे, सेम यही प्रोसेस पूरे पोंचों में चलेगा। पहले आप अपनी हाइट के अनुसार पूरे पोंचों को कंप्लीट कर लीजिए जितना आपको बनाना है। उसके बाद आप हाई नेक बनाना चाहते हैं हाई नेक बना सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये सेम वैसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमने तीन डबल क्रोशिया बना लिए हैं, हमारे पास पहले पांच थे अब तीन हो गए हैं, फिर एक हो जाएगा। अब सेम वही प्रोसेस आ चुका है, यहाँ पे हम थ्री चेन बनाएंगे और इस डिज़ाइन में हम सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे और इन रो को ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। जितना भी आप बड़ा बनाना चाहते हैं आप उतना बड़ा बना लीजिए। ये हम फिर से ऐसे ही इसमें सेवन डबल क्रोशिया बना लेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो बात आपको समझ में नहीं आई आप उसको पूछ सकते हैं। हम इन सारी रोज़ को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और अपने पोंचों को पूरा करेंगे, थ्री चेन बनाएंगे, सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप एक बार डिज़ाइन को अच्छी तरह से समझें फिर उसको बनाएं, इससे आपका बार बार गलत नहीं होगा, बार बार आपको उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको यहाँ तक लेके आएंगे, इस रो को हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है, ऐसे ही जैसे पहले की थी ऐसे ही क्रोशियो को इस चेन के ऐसे लेके आएंगे और इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे। फिर से हम स्टार्टिंग करेंगे डिज़ाइन की, थ्री चेन बनाएंगे। और ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रो हमारी ऐसे ही चलेंगी जैसे हमने शुरू में बनाया है। तो आप जितनी भी रो बनाना चाहते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना लें। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा रो बना लें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड मैं आपको पूरा बना के फिर बताऊँगी। जब इसकी लेंथ पूरी कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसको आगे कैसे बनाना है। ये हमारे पोंचों की रो कंप्लीट हो चुकी हैं, इसको आगे हम बनाएंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सेम ऐसा ही बनेगा, एक दो बार आप समझे फिर इसको बनाएं। ओके, थैंक यू। पोंचों की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है, आप एक बार इसको डाल के देख लें। अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, कम रखना चाहते हैं कम रख सकते हैं। ये मैंने 14 बनाए हैं, इसमें ये जो बीच वाला डिज़ाइन है इसको आप काउंट कर लें। अगर आपको छोटा बड़ा जैसे चाहे आप बना सकते हैं। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, इसकी लेंथ आप अपनी इच्छा अनुसार रखें जितना आप चाहते हो। अब यहाँ से हम इसका बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसमें चेन बनाएंगे, मैंने ये 5 चेन बनाई है और इसको यहाँ पे डालेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 2-2 चेन बनाते हुए और एक डबल क्रोशिया
हम इस जाली को कंप्लीट कर लेंगे। इसको ऐसे ही बनाते जाना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। हमें दो दो चेन बनानी है और ऐसे बीच में डालते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट करना है। यहाँ पे फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे ऐसे ही जाली बनाते हुए। आप चाहे तो इस जाली में उनके टैसल भी बांध सकते हैं, आप चाहे तो बॉर्डर भी बना सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसा आप कर सकते हैं। ये जाली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बॉर्डर बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा आसान सा बॉर्डर बनाएंगे, उसको आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चार चेन हमने बना ली है और इसको यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया यहाँ पे, और फिर से हम अब कोई चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया यहीं पे बनाएंगे। ऐसे करते हुए इस रो को भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई और दूसरा बॉर्डर भी बना सकते हैं।
ऐसे हम टू रो बनाएंगे इसी डिज़ाइन की। इस रो को हम ऐसे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है, ये हमारी सेकंड रो है इस बॉर्डर की। तो हम ऐसे बीच में डालते हुए और ऐसे ही एक चेन बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसके गले पे बनाएंगे डिज़ाइन। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकती हैं, आप जैसा मर्जी चाहे वैसा बॉर्डर गले पे बना सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सा बनाऊंगी, बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाएगा। मैंने यहाँ पे धागा जोड़ लिया है। अब मैं दो चेन बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पे। ये हमने एक चेन और चार डबल क्रोशिया बनाए हैं और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। अब फिर से हम दो चेन बनाएंगे, फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। इसको ऐसे ही बनाते जाना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। इस बॉर्डर को हम कंप्लीट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये गले का डिज़ाइन है। आप इसको जिस तरीके से चाहे वैसे बना सकते हैं, डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।